अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अब हम लोग पार्ट 5 के ऊपर हैं, ये बिगिनर सीरीज के अंदर, जो मेट्रो स्टेशन सीरीज के अंदर। तो इनिशियली मैं रहा था कि आपको सिर्फ ये जो लाइट पोल्स हैं इस पार्ट में वो बनाना सिखाऊंगा, लेकिन एक और चीज़ भी है, पहले वो मैं आपको सिखा दूँ, ज़्यादा यूजफुल ज़्यादा है, और वो एक इंडिपेंडेंट ट्यूटोरियल के तौर पर भी एक्ट करेगी। और इसका पार्ट भी है एक किस्म से, कि रोड्स आप हर किस्म से, मतलब हर किस्म की शेप्स आप रोड्स के साथ क्रिएट कर सकते हैं ईजिली। तो उसका तरीका फिर ये है कि पहले ब्लेंडर में हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है रोड वाला सा बेस रोड, इसे सेलेक्ट कर लें, ठीक है। इसे शिफ्ट टी जी जेड ऊपर ले जाएं, ठीक। और उसके बाद हम लोग इसे नए कलेक्शन में डाल देते हैं, इसका नाम रखते हैं एक्स्ट्रा रोड। और जो ये डुप्लीकेट था बेस रोड 01, इसे हम लोग एक्स्ट्रा रोड वाले में डाल देते हैं, और इसे नाम भी ये रोड नाम रख देते हैं अभी के लिए। और जो डिफॉल्ट रोड है उसे हाइड कर दें अभी के लिए, ठीक। और स्टेशन को भी हाइड कर देते हैं, और इसे अब बिल्कुल जो है 0 के ऊपर लेके हैं। यहाँ पे जो ये पॉइंट मान रहा है ना, 3D कर्सर जहाँ पे है वहाँ पे ले आए इसके ओरिजिन को बिल्कुल 0 कर देंगे। सारी वैल्यू 0 होंगी तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, ठीक। एडिट मोड से बाहर आपने वो करना है, फिर टैब आके फिर से ना इसके ऊपर मिरर मॉडिफायर अप्लाई कर देते हैं। इसलिए मैंने इसका डुप्लीकेट नहीं आया, ओरिजिनल ही मैं यूज़ कर रहा क्योंकि ये लगता चाहिए, इसलिए मिरर मॉडिफायर अप्लाई कर दें। फिर टैब आके एडिट मोड में चले जाएँ, 7 से टॉप व्यू में चले जाएँ, जेड वायर फ्रेम करें, डी सेलेक्ट सब कुछ करें, और फिर बी से बॉक्स सेलेक्ट करें, और सारा ये नीचे वाले से सेलेक्ट कर लें। और मैं अपनी स्क्रीन कास्ट की ऑन करना भूल गया, लेकिन मैं सारी वैल्यूज बोलता रहा हूँ तो इसलिए है। तो इसे एक्स दबा के एलीट फेसेस कर दें, ठीक है। फिर ए से सेलेक्ट ऑल कर लें, सी से साइड व्यू में चले जाएं, और ये जो ऑरेंज डॉट नजर आ रहा है ना, तो इसका ओरिजिन है, इसे इसके पास मूव करना। तो जी वाई लेके मैं इसे ये मूव कर देता हूँ ओरिजिन के ऊपर। तो ये ओरिजिन के ऊपर मूव हो गया। अब टैब वगैरह एडिट मोड से बाहर आ जाएं, सॉलिड मोड में चले जाते हैं, और एस वाई करते हैं ताकि वाई एक्सिस के ऊपर ये स्केल हो जाए, ठीक हो गया। तो ये इसके बाद आप करें शिफ्ट ए मैश, मैश नहीं, शिफ्ट ए कर सर्कल, ठीक है। और उसे स्केल कर दें जितना आपकी कितनी मर्जी है, क्योंकि मैं बेसिकली आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि आप होता क्या चीज़ है। तो उसे टैब वगैरह एडिट मोड में चले जाएं, बेजियर सर्कल के इसे सेलेक्ट ऑल कर रखें, ठीक है। और सब डिवाइड कर लें जितनी आपकी कितनी मर्जी है, क्योंकि अगेन ये सक्सेस है। फिर जो है ये जो ई रोड वाला हिस्सा है ये सिलेक्ट करें, ऐड मॉडिफाई करें, एरे मॉडिफायर इस्तेमाल करें, ठीक हो गया। और इसका जो ये एरे मॉडिफायर के अंदर फिक्स काउंट जो हम लोग आमतौर पर यूज करते हैं, इसकी जगह फिट कर्व करें, और फिर जो कर्व है उसे सिलेक्ट कर लें, ठीक। पहला पार्ट तो ये हो गया, फिर ऐड मॉडिफायर करें, फिर कर्व मॉडिफायर ऐड करें, और जो कर्व मॉडिफायर के ऊपर है इसे सिलेक्ट करें। अब ये देखें थोड़ा अजीब से तरीके से, गलत तरीके से कर दिया, क्योंकि सारे ये ऐसे तरीके से होना चाहिए। तो अब ये जो ई रोड है इसे सिलेक्ट करें, टैब दबा के एडिट मोड में चल जाए, और फिर आर जेड 90 करें। तो ये देखें अभी ये सीधी लाइन लग गई, इसका मतलब आपका ये ठीक हो गया। फिर टैब दबा के एडिट मोड से बाहर आए तो देखें प्रॉपर रोड आप बन गई है। जरूरी नहीं है आपके बस बेजियर सर्कल ही आप इस्तेमाल करें, आप कुछ और भी कर सकते हैं। अब एक मिनट, बेजियर सर्कल जो कर्व है उसे सेलेक्ट करें, ठीक है। 7 से टॉप व्यू में चल जाते हैं, ये देखें मैं प्रोपोर्शन राइटिंग ऑन कर लेता हूँ वो दबा के, और जीजे है ये देखें, इसे हम लोग ट्विस्ट कर सकते हैं। प्रोपोर्शन राइटिंग अब ऑन हुई है, जी से ये देखें इसे, इसी तरह से आप रोड की कोई से भी शेप्स रोड्स को देख सकते हैं इजीली ना। तो ये काफ़ी यूजफुल है, इस ट्यूटोरियल के अंदर भी आप इंप्लीमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और ये इंडिपेंडेंट टोल के ऊपर भी एक ट्यूटोरियल सा बेसिकली बन गया है, ठीक हो गया। तो अभी के लिए मैं आपसे हाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ओरिजिनली जो इस इमेज के अंदर ये नहीं था, सो जैसे मैंने साइड के तौर पर आपको सिखाने के लिए कर दिया। तो अब हम लोग जो है स्टेशन की जो लाइट्स थी वो क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए एक नया कलेक्शन डालें लाइट्स के नाम से, ठीक। और अभी के लिए फिर अगेन हम लोग ये हाइड कर लेते हैं। लाइट्स वाले कलेक्शन को सिलेक्ट करते हुए 1 दुआएं फ्रंट पर भी आ जाए, और फिर शिफ्ट ए करें, इमेज रेफरेंस के तौर पर फिर से हमें चाहिए होगी। तो मेरी तो डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला मैंने होगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। रेफरेंस इमेज का नाम होगा स्ट्रीट लाइट पोल्स वाली जो इमेज है, ठीक हो गया। अब ये भी अगेन एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं है, ठीक। ये बस एक जो कहते हैं ना अप्रोक्सीमेट टाइप का रेफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए लेंगे शिफ्ट ए मैश सिलेंडर, ठीक है। अभी सिलेंडर की सबडिविजन्स बहुत ज्यादा हैं, तो हम लोग फॉलो पॉल स्टाइल चाह रहे हैं, इसलिए मैं इसे 16x10 कर लेता हूँ, ठीक। और इसे जी दबा के यहाँ नीचे ले आता हूँ, और इस रेफरेंस को हम लोग थोड़ा सा अगेन ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं, ठीक। ये बहुत ज़्यादा शोर है, ठीक। और अगेन ये रेफरेंस थोड़ा टेढ़ा भी है, तो बेशक से आप रोटेट थोड़ा सा कर लें, इस तरह करके थोड़ा सीधा कर लें, ठीक।
लेकिन ये अगेन एग्जैक्ट नहीं है रेफरेंस, ये मैंने नेट से मिला है, आपको अगर कोई और बेहतर मिल जाता तो वो प्लीज से यूज कर लें। जी जेड से हम लोग करते हैं और इसे स्केल करके नीचे ले आए, जी जेड अगेन इसे ले आए और इसका जो टैब वाके एडिट मोड में चल जाए, फेस सेलेक्ट मोड से जो इसका निचला फेस है वो अगेन विजिबल नहीं होगा, किसी काम का नहीं, उसे डिलीट कर देते हैं। और जो ऊपरला फेस है उसे सेलेक्ट करें आप, ठीक, तो ई दबाकर से ऊपर ले जाएं, फिर राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्मेशन को कैंसिल कर दें और फिर एस दबाकर इसके प्रोपोर्शनल लाइटिंग ऑफ करें और फिर एस दबाकर उसे अंदर लेके चले जाएं। सेवन से टॉप व्यू में भी चले जाएं, आप देखना चाहें कितने उसकी वेट रखना चाहते हैं, तो स्केल करके मैं तकरीबन सत्ता रखूंगा, ठीक हो गया। और फिर ई जेड से उसे ऊपर की तरह ले जाएं, फिर अगेन ई दबा के ऊपर ले जाएं, फिर राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्मेशन कैंसिल कर दें, एस दबा के उसे स्केल करें थोड़ा सा और फिर ई जेड करके ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, इसका जो बेसिक पोले वाला एरिया है वो क्रिएट हो गया। फिर हमें अब इधर एक और स्लेंट राइटिंग चाहिए होगा तो, या हाँ एक और स्लेंडर चाहिए होगा, स्लेंडर, और इसे हम लोग रोटेट करते हैं इस तरह से, फिर उसे भी स्केल कर दें, जी दबा के उसे यहाँ पे ले आए और उसे थोड़ा सा और स्केल करके ज़्यादा पतला करना है हमें, और उसका भी अगेन वो वाला फेस जो है किसी काम का नहीं है, तो उसे एक्स फेस से डिलीट कर दें और फिर जो फ्रंट वाला फेस है वो दोबारा पकड़ लें, बल्कि एल दुमाएं, तो एल अगर आपका मतलब ये सिलेंडर लग था और ये सिलेंडर लग था तो ये इंडिपेंडेंटली अलग मटेरियल्स हैं, तो एल दबा के आप सेलेक्ट कर सकते हैं सारा ऐसे, और फिर जी दबा के से थोड़ा सा यूं सही जगह प्लेस कर देते हैं और फिर ये फेस सेलेक्ट कर लें और फिर इसे जी दबा के अभी तक हम लोग यूं ले जाते हैं, ठीक, फिर ई से एक्सट्रूड करके यहाँ पे लेके आए, आर यूं करें और जी जेड नीचे यूं मूव कर लें और फिर जी से थोड़ा सा और से आगे मूव कर लेते हैं हम लोग और फिर से एल दबा के स्ट्रॉ कर लेते हैं, एल नहीं जी सेलेक्ट करें, जेड वायर फ्रेम पे चल जाएं, ये वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में चल जाएं, बी से बॉक्स सेलेक्ट करके ये वाला सा सेलेक्ट करें और क्लिक करें कंट्रोल बी बेवल के तौर पर, तो बेवल हमने इसके अंदर थोड़े से क्रिएट करने हैं इस तरह से, तो मेरे हिसाब से तो यही काफ़ी है, सॉलिड मोड में वापस चले जाते हैं हम लोग, सॉलिड मोड वापस चले जाते हैं और फिर अब हम लोग करेंगे शिफ्ट ए प्लेन, ठीक हो गया, जी जेड और जी एक्स लेके स्ट्रक चले जाएं, सेवन से टॉप व्यू में चले जाएं, एस एक्स से ओ एक्स एस वाई से हम लोग से थोड़ा पतला कर लेते हैं और इसे जी जेड से थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इस पोल से और फिर इसके ये दो जो वर्ड्स हैं सिर्फ इन्हें सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करें और सब डिवाइड करें, फिर जो बीच वाला पार्ट है इसे जी एक्स से यू मूव करके फ्रंट पे थोड़ा सा ले आए और फिर फेस सेलेक्ट मोड से इन दोनों के फेसेस को सेलेक्ट कर लें और फिर क्लिक करें ई जेड से नीचे ले आए इस तरह से, तो वो उस तरह की शेप से उसकी जो है क्रिएट हो जाएगी, ठीक हो गया। तो अब हमें इसके नीचे वो जो लाइट वाला उसका डोम सा एरिया है वो क्रिएट करना है, तो उसके लिए सिंपल है, शिफ्ट ए यूवी स्फीयर लाइन, इसके सब डिविजन काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो हम 16 कर दें ये वाली और रिंग्स सेगमेंट 16 करें और रिंग्स 8 कर दें, फिर जेड वायर फ्रेम पर चल जाएं, जी सेलेक्ट करें, बी से बॉक्स सेलेक्ट करें और ऊपरला हिस्सा जो है ये ध्यान से कीजिएगा और एक्स फेसिस से रिमूव कर दिया, एक हो गया, और फिर एल दबा के इसे सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि अगेन ये एक अलग मैश ऑब्जेक्ट था, तो जी वाई जी एक्स से इसे मूव कर लें इस तरफ और इसे थोड़ा साइड व्यू से देखते हैं, तो ये देखें ये वाली जो प्लेन है पतला है और ये वाला ज़रा मोटा है, तो इसे भी हम लोग एस एक्स कर एस वाई करके थोड़ा फ्लैट कर लेते हैं और फिर एस जेड करके जेड के ऊपर भी थोड़ा सा उसे फ्लैट कर देते हैं, फिर जी जेड से इसे ऊपर ले जाएं, फिर से एस एस वाई से थोड़ा सा अंदर ले जाएं, थोड़ा सा वो स्लाइड से पतला होना चाहिए ये, एक मिनट रेफरेंस इमेज में गायब करता हूँ और सॉलिड मोड में चल जाते हैं, तो ये देखें काफ़ी अब लाइट की तरह लगना शुरू हो गया है। तो अब हम लोग मटेरियल्स अब ले जाते हैं, इसके भी अगेन मटेरियल्स प्लेस होल्डर्स होंगे, मैंने आपको कल बताया था मटेरियल्स हम लोग बाद में फाइनलाइज करेंगे, तो दो न्यू मटेरियल्स आएंगे, एक नया मटेरियल और एक ये मटेरियल न्यू, दो मटेरियल्स, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे लाइट पोल और लाइट, तो जो लाइट वाला है उसे अभी हम लोग चेंज करके सिंपल इमिशन में क्रिएट कर देते हैं और
ए से स्टेक्ट वाल करें, लाइट पोल वाला क्लिक करें और इसे असाइन कर दें। सारे अभी सारों को साइन हो गया है, ठीक है। मटेरियल प्रीव्यू मैंने आपको मटेरियल प्रीव्यू भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें सारों का वी कलर साइन हुआ है। फिर हम लोग एल दुबा के, ये जो निचला डोम था, एल दुबा के इसे सेलेक्ट करें और जो भी लाइट वाला हिस्सा है वो हम लोग साइन कर देते हैं। तो ये देखें वो उसे साइन हुआ, देखें वो ग्लो कर रहा है। तो अभी के लिए तो हमें इतना ही करना था इसे, ठीक हो गया। तो शेड स्मूथ करना नहीं करना आपकी मर्जी है, मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ ना ही करें क्योंकि लो पॉली स्टाइल है। तो अब हम लोग जो है रोड उसे वापस विजिबल कर लेते हैं, ठीक। और जो स्टेशन है उसे भी विजिबल कर लेते हैं, ठीक हो गया। और ये लाइट्स वाला कलेक्शन हाइड करें और फिर एक न्यू कलेक्शन क्रिएट करें, इसका नाम हम लोग कहेंगे लाइट्स इंस्टेंसेस। लाइट्स वाले को वापस ओपन करें। सिलेंडर है इसका रीनेम कर देते हैं हम लोग, क्योंकि हमने सिलेंडर यूज किया था ना, उसका नाम रखते हैं लाइट पोल। और इसे जी जेड से ऊपर ले आए, ठीक है। ये तकरीबन आप ये जो है ना हमने इसके ऊपर से प्लेस करना है, तो इससे ऊपर होना चाहिए। जी जेड से भी से ऊपर ले आए, ठीक हो गया। और फिर इसके ऊपर मॉडिफायर हम लोग ऐड करेंगे, ऐड मॉडिफायर, ठीक हो गया। और मिरर मॉडिफायर ऐड करेंगे और इसके ऊपर अपने क्लिपिंग ऑन नहीं रखनी, ऑफ रखनी है, ठीक है। फिर कैब वॉक एड मोड में चले जाएं, ए से सेलेक्ट ऑल करें और बल्कि जेड वायर फ्रेम में देख चले जाएं ताकि आपको नजर ही रहता है। और फिर से जी एक्स करके मैं इसे साइड पर ले जाऊंगा, तो ये देखें दोनों साइड के ऊपर वो पोल्स आ गए हैं। मैं सॉलिड मोड में चला जाता हूँ ताकि मैं देख सकूँ सही तरह से, ठीक हो गया। तो अभी भी एड मोड के अंदर जी एक्स से मैं इसे थोड़ा सा और साइड पर ले जाता हूँ, ये आई थिंक अप्रोक्सीमेटली इसके एड है जी एक्स, ये देखें। तो अब एक के बजाय वो दोनों जगह ऊपर पोल्स क्रिएट हो गए हैं। मेरा मॉडिफायर से काम नहीं कर रहा है या क्या इशू है। जी एक्स से अगर मैं इसे वापस, इसे सेंटर में होना चाहिए था, अब इसे इशू था। जेड वायर फ्रेम करते हैं, ये जो पोल है इसे इनिशियली सेंटर में होना चाहिए था, जी एक्स से इस तरह, ठीक। फिर टैब दबाकर एड मोड में चल जाते हैं और एड मोड से बाहर आ जाते हैं। और ये देखें इसकी वैल्यू जैसा सही नहीं थी, इस वजह से प्रॉब्लम हुआ था। तो इस एक्स के ऊपर बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए इस तरह से, वाई के ऊपर भी सेंटर से कर रहे हैं, जेड के ऊपर बस हाँ ऊपर टॉप व्यू में गया हुआ है। तो अब हम लोग वायर फ्रेम के अंदर रहते हुए टैब दबाकर एड मोड में चल जाते हैं और जी एक्स से साइड के ऊपर मूव करते जाते हैं, सॉलिड मोड में आ जाए। तो ये देखिए अब वो दोनों प्रॉपर सही तरह से एजिस के ऊपर आए हुए हैं, ठीक। तो अब जो हमने ये इंस्टेंस वाला कलेक्शन बनाया था, इसका मैं आपको बताता हूँ कि पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है। तो क्योंकि अभी हमने कलेक्शन अलग कलेक्शन के अंदर लाइट्स बनाया हुआ है, तो ये कलेक्शन इंस्टेंस है। कलेक्शन इंस्टेंस बेसिकली ऐसा होता है कि वो ऑब्जेक्ट वहां पे असल में होगा नहीं, लेकिन वो रेंडर होगा, तो उस तरह से आपका रेंडर टाइम भी थोड़ा बहुत सेव हो जाता होता है। वो ब्लेंडर जो है वो बेसिकली उसे फेक कर रहा होता है वहां पे उसकी रेंडरिंग। तो उसका तरीका ये है, शिफ्ट ए कलेक्शन इंस्टेंसेस, ठीक है। तो जो लाइट्स के नाम से हमने कलेक्शन बनाया हुआ था, ये लाइट्स के नाम से कलेक्शन था, इसे मैं कॉल करूंगा शिफ्ट ए। और इस लाइट्स इंस्टेंस को सिलेक्ट किए गए क्योंकि हम उसके अंदर प्लेस करेंगे तो वो बार बार दूसरे डबल डुप्लीकेट कर देगा, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। कलेक्शन इंस्टेंस, ठीक हो गया। और फिर लाइट्स क्लिक करें, अब वो इस जो लाइट्स का कलेक्शन इंस्टेंस था, देखिए उसके आगे ये सिंबल आया हुआ है, वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। अगर मैं इसके अंदर क्रिएट करता तो वो डुप्लीकेट से कर देता। तो जी वाई और कंट्रोल दबा के रखें और इसे यहाँ पे मैं मूव कर रहता हूँ, ठीक। और अब ये वाई के ऊपर 19 के डिफरेंस के ऊपर है, ये बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर प्लेस हुई है, देखिए इसकी वैल्यू 0 के ऊपर है, ये 19 के ऊपर है, तो -19 के ऊपर है। तो इसी तरह से हम लोग इसे चलो -20 कर देते हैं थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यू करने के लिए। ऐसे अब हमें पता है -20, फिर -40, फिर -60, फिर -80 के ऊपर प्लेस करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर +20 के हिसाब से होगा, ये देखिएगा। अब मैं इस बार उस तरह मोड़ लूंगा, शिफ्ट ई, शिफ्ट ई नहीं करना था सॉरी, कंट्रोल सी। फिर अगेन इसे सेलेक्ट करते हुए शिफ्ट ए कलेक्शन इंस्टेंसेस लाइट्स जी वाई और फिर से यहाँ पे मूव कर दिया और फिर यहाँ पे मैं इसे +20 के ऊपर कर देता हूँ, ठीक। तो देखें इंस्टेंसेस ज्यादा सही रहेंगी हमारे लिए। तो बाद में मैं आपको बताऊंगा कि रेफरेंस इमेज आई थिंक लाइट पोल की हमने अभी तक हाइड नहीं की। लाइटिंग पोल की जो रेफरेंस इमेज है उसे डिलीट कर दें क्योंकि वो भी बार बार इंस्टेंसेस की वजह से आ रही है, तो डिलीट कर दिया उसे भी, तो वो देखें गायब हो गई है, एक ये भी इशू था, हो जाता है कभी कभार। तो इसी तरह से आप राम स्कूल से मतलब लाइट पोल्स मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, वो आप डुप्लीकेट तो आप उससे कर लेंगे राम स्कूल से, 20-20 के डिफरेंस के ऊपर या जितना आपके अपने हिसाब से है। उस तरह से मैं फिर से आपको एक बार शो करता हूँ।
फ्लक्स इंस्टेंसेस लाइट्स जी वाई, थोड़ा सा मूव करके मैं इतना ले आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 40 के ऊपर मैं मूव करता हूँ तो ये देखें वो एग्जैक्ट डिफरेंस जिसके साथ होगा, यहाँ पे -40 होगा, उसी तरह से यहाँ पे +60 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -60 हो जाएगा। तो आप इस तरह से आप लाइट्स आराम से प्लेस कर सकते हैं। मैंने आपको कोचेज दिखानी है तो वो आप पहले देख लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो लाइट को जो हमने सेलेक्ट किया ये देखें ये मेन था। इसी के अब ईवी के अंदर आपको पता है इशू क्या होता है कि वो जो है जो ग्लो होती है वो एक्चुअली लाइट अप नहीं करती सीन के ऊपर। हम लोग ग्लूम ऑन कर भी लें तब भी मतलब वो सही तरह से सीन को एक्स्ट्रा लाइट लाइट अप नहीं करेगी। तो उसका तरीका ये है कि हम लोग को असली लाइट यूज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं इस तरह करता हूँ, शिफ्ट ए लाइट स्पॉट लाइट जो है स्पॉट लाइट में यूज करूंगा, जी जेड से मूव करता हूँ यहाँ ऊपर और फिर जी वाई से मूव और जी एक्स से मूव करता हूँ उस साइड के ऊपर, ठीक। और फिर जी जेड तकरीबन इसके साथ ही आती हो, इसके हिसाब से एग्जैक्ट आ जाती हो, ठीक। तो अब ये एक्स के ऊपर -20 पॉइंट समथिंग के ऊपर हो गया, तो मैं शिफ्ट जी एक्स करके एक और मूव करता हूँ और ये -20 से इसकी वैल्यू को मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, तो ये फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड के भी ना, तो फिर मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ, जो एग्जैक्ट का बन रहा है आपका डिफरेंट होगा ऑब्वियसली। तो करके इंटर करता हूँ, देखें वहाँ पे उसके ऑपोजिट साइड पर बिल्कुल आ गई है। तो अब एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये स्पॉट लाइट्स दोनों इधर क्रिएट हो गई हैं, मूव करके जो लाइट्स वाला कलेक्शन है ठीक है उस वाले मूव का इंस्टेंस वाले कलेक्शन में नहीं होना चाहिए, ये स्पॉट्स वाले के अंदर आ जाए, ठीक है। अब ये देखिए उस तरह से फिर वो उनकी इंस्टेंसेज ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई हैं। तो अब ये है कि इनकी मतलब आप समझ लें एनिमेशन करना चाहते हैं तो आपको मैनुअली इसकी पावर इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर सपोजिटली मैं इसकी 1000 करता हूँ, ठीक है, अब ये साइड तो 1000 हो गई है लेकिन जो दूसरी वाली है साइड वाले को फिर से मुझे 1000 करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा मतलब इफेक्ट इतना मजे का नहीं आता ना। तो उसका तरीका ये है कि आप दोनों लाइट्स को सिलेक्ट करें शिफ्ट वाई से और फिर शिफ्ट वाई दूसरे वाले को, ये दोनों थोड़े ब्लैक कलर में होंगे, बाकी सारे इंस्टेंसेस देखें थोड़े ग्रे कलर में है, इस तरह से आप उनके अंदर डिफरेंस कर सकते हैं। तो जो दोनों मेन असली लाइट्स हैं ठीक है उन्हें सेलेक्ट करें, शिफ्ट वा के दोनों को सेलेक्ट कर लें, ठीक है। फिर क्लिक करें कंट्रोल एल, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डेटा सेलेक्ट कर लें। अब इसका फायदा क्या होगा ये देखिएगा, मैं रेंडर व्यू में चला जाता हूँ। तो अब जब जब मैं इसकी वैल्यू 10 करता हूँ तो उसी तरह से सबकी वैल्यू 10 हो जाती है, मतलब ये दोनों अब लिंक्ड हो गए हैं, ठीक है। इसकी जैसे इसका वैल्यू चेंज होती है, इसकी जैसे इसकी वैल्यू चेंज होती है। अगर मैं इसे रेड करता हूँ देखिए वो राइट भी रेड हो रही है, ब्लू हो रही है, उस तरह से आप कलर भी इसकी कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से। और जो स्ट्रेंथ है वो भी आप ऑटोमेटिकली सारों के वो कंट्रोल हो जाया करेगी, 3000 होगी आपकी अपनी मर्जी जितनी आपने करनी हो, सारे देखिए कंट्रोल हो रहे हैं। अभी के लिए मैं से 2000 शायद ठीक रहेगी, बाकी आपकी अपनी मर्जी जिस आप करना चाहते हैं। तो इस तरह से और इसका जो एंगल आई थिंक साइज थोड़ा मैं इंक्रीज करता हूँ 90, ये देखिए कितनी ठीक है, मैं से थोड़ी वाइड ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरह से ये देखो वो ऑटोमेटिक उस तरह से दोनों कंट्रोल हो रही है। तो इस तरह से आप ये जो लाइट्स हैं सारी कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट तक जो है ना इसकी बाकी जो लाइट्स हैं उसी तरह से आप कंप्लीट कर लें, ठीक, जो बकाया यहाँ पर रहती हैं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही तो अल्लाह हाफिज़।